टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। खबर लखनऊ से है, जहां दो दिवसीय नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर ने दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। तो वही कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश बिंदल ने किया। इनके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी दिवाकर, डीके उपाध्याय, इरशाद अली और पीयूष अग्रवाल भी उपस्थित रहे। साथ ही AIFTB के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज घिया, ITBA के अध्यक्ष RP तिवारी और कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन KK दीक्षित और देश भर के कर विशेषज्ञ व्यापार संगठन के सदस्य भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य टैक्स कानूनों पर चर्चा करके उनकी कमियों को दूर करना है। मैं KK दीक्षित, एडवोकेट, इनकम, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन हूँ मैं। ये दो दिन की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन हूँ और इसको आज हम लोगों ने इनॉग्रल सेशन इसका कंप्लीट किया है। अब हमारे अगला टेक्निकल सेशन अब शुरू होने जा रहा है, वो इसके बाद टेक्निकल सेशन ही शुरू होगा। कि ये जो कॉन्फ्रेंस में जो टेक्निकल सेशंस होता है, इस टेक्निकल सेशन में हमारे हिंदुस्तान के जो टॉप क्लास के एडवोकेट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो इसमें आकर के पार्टिसिपेट करते हैं और वो कानून की और तमाम लॉ की ऐसी बारीकियां बताते हैं जो एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं मालूम है। और यहाँ से वो बारीकियां समझ करके जब कोर्ट में जाते हैं तो वो अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस चलती है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, उनका काम और बढ़ जाता है। ये हमारा मेन उद्देश्य कॉन्फ्रेंस कराने का यही है कि जो CA और एडवोकेट्स हैं वो इससे एजुकेट होते हैं, उनको नई नई चीज़ें पता चलता है जिसके कि उनका प्रोफेशन आगे बढ़ता रहे। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो केवल बजट पे नहीं है, बजट तो एक छोटा सा बिंदु है। बजट और टैक्स संबंधी जितने भी प्रावधान है जिससे करदाताओं को, टैक्स पेयर्स को लाभ पहुँचे, तो वो क्या कमियाँ रहती हैं कानून में, उन कमियों को सुधार के लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ पर विषय विशेषज्ञ बैठते हैं, जनता की समस्याएं आती हैं उन पर डिस्कस किया जाता है और समाधान निकाल करके जो कमियां हमको लगता है कि कानून में सुधार होना चाहिए, उन कमियों का प्रत्यावेदन बना करके हम सरकार को भेजते हैं। और ये जो इनकम टैक्स बार एसोसिएशन है, ये इसका रेगुलर फीचर है। हम लोग हमेशा ये काम करते हैं और बहुत सारे कानूनों में हम लोगों ने सुधार कराया है। GST में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं उनमें बहुत सारा सुझाव हमारी बार की तरफ से भी गया है। और जो AIFTP है, ये एक इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम हर महीने किसी ना किसी शहर में इसी तरह की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना है। और हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो यही है कि जो जनता की समस्याएं हैं और जो कानून की पेचीदगियां हैं जो आम जनता नहीं समझ पाती है, हमें लगता है कि सरकार की तरफ से इसमें चेंजेस होने चाहिए, तो वो सुझाव हम लगातार सरकार को भेजते हैं और सरकार उन पर कंसिडर करके अक्सर सुझाव करती भी है। मैं CA राजेश मेहता, नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, आज लखनऊ के शहर में एक राष्ट्रीय टैक्स सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकार लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण टैक्स संबंधित मुद्दों पर ये चर्चा आयोजित की गई है। GST, इनकम टैक्स के जो विभिन्न ज्वलंत मुद्दे हैं उन सभी पे समस्त कर सलाहकारों एवं विद्वान वक्ताओं के बीच में आपस में संवाद होगा, वो अपने विषय रखेंगे और उन विषयों से जो भी बिंदु उभर कर आएंगे उन बिंदुओं को हम देश में सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि करदाताओं, व्यापारियों, उद्योगपतियों, इन सभी को जो भी समस्याएं आ रही है GST में अथवा इनकम टैक्स में, उन सभी में उन्हें राहत मिलने की। और हमारी सलाह हमने पहले भी कई बार सरकार को दी है, GST में, इनकम टैक्स में, कई सारी सलाह को सरकार ने हमारे विषयों को माना है, तो हमें गर्व है हमारी संस्था पर, हमारे कर सलाहकारों पर, हमारे समस्त प्रतिभागियों पर कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार भी हमारी इन बातों को सुनती है। तो यह जो लखनऊ में इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से यह देश के सभी व्यक्तियों के लिए लाभकारी रहेगा। मैं SM जौहरी, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन उत्तराखंड, उत्तर भारत की सबसे बड़ी बार है और जो अभी वित्त मंत्रालय द्वारा जो भी हमने दिया था निर्मला सीतारमण जी को, हमारी जो वित्त मंत्री हैं,
उसमें काफ़ी कुछ हमारे द्वारा दिए गए विवेचना को उन्होंने माना और काफ़ी कुछ कर में राहत दी गई है, और जो मैंने बजट का प्रोग्रामा बना के दिया था अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, उसमें से काफ़ी कुछ किया, मतलब काफ़ी कुछ माना गया है जो हमारे, और इसके लिए मैं सेमिनार भी करता रहता हूँ, वर्कशॉप भी करता रहता हूँ अपने बारे में, और जो भी उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं साल भर में जो भी आता है, ये दिन प्रतिदिन जो भी अमेंडमेंट होते हैं मैं अपने बार के एसोसिएशन के मेम्बरों को बताता रहता हूँ, और भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा विजन तगड़ा है, उनके द्वारा जो विजन दिया जाता है वो देखने में तो लगेगा आपको, लेकिन वो आगे चल के इतना लाभदायक होता है कि उसकी जो उसका जो रिजल्ट आता है वो देश के लिए और देश के लिए जो हमारे देश के निवासी हैं उनके लिए बहुत अच्छा जाता है। देखिए जो राजस्व इकट्ठा होता है वो राजस्व से ही हमारे देश का निर्माण होता है, और हमारा देश विश्व का गुरु बनने के लिए तत्पर है, और हमारा पूरे विश्व में नाम है भारतवर्ष का, ये मोदी जी का, अमित शाह जी का, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो धारणा है, हमारी निर्मला सीतारमण ने जो बजट दिया है वो बहुत ही लोगों के लिए लाभकारी है। उस पर केवल चिंतन करने के लिए और मनन करने के लिए और अध्ययन करने की आवश्यकता है, अगर ये हम लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छा हुआ। इसी संबंध में आज यहाँ पर लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ है, हम लोग आए हैं कानपुर से, तो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, अभी कॉन्फ्रेंस के आगे नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग अपने विचार रखेंगे, और भारतवर्ष देश के प्रगति में हमारे मोदी जी की राह में अगर चलेंगे, देखिए हमारा एक विश्वास ये है कि जो राजस्व आएगा उससे ही हमारा विकास कार्य होगा, और विकास कार्य हो रहे हैं, केवल धैर्य की ज़रूरत है, अगर हम लोग धैर्य रखेंगे तो विकास काफ़ी होंगे। देखिए आपके दिए गए राजस्व से ही हमारा विकास करता है, सारे विकास कार्य उसी से होते हैं। मेरा मन है कि आप शुद्ध मन से आप टैक्स दीजिए, आप मैनिपुलेशन मत करिए, अगर आप मैनिपुलेशन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, दिल भी खराब होगा, दिल से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरा ये विश्वास है कि आप स्वच्छ मन से अगर करेंगे, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो राष्ट्र का निर्माण आपके हाथों में है, और आपकी पूरा राष्ट्र आपके हाथों में, आपके द्वारा बनाए गए दिए गए टैक्स से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और होता रहेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो टैक्स को लेकर के जो लोगों के मन में डाउट्स थे उसको दूर करने की कोशिश इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूर की गई। फिलहाल हमारे आज के इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।